हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले कोटक महिंद्रा बैंक में अपने जो एटीएम के मोबाइल नंबर है उनको अपडेट कैसे करें, रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो वीडियो में बने रहिए आखिर तक। मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे रियल इन्फॉर्मेशन। तो आपको सबसे पहले अपने एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड को स्वाइप करना है। स्वाइप करने के बाद आपके सामने यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ आपको सिंपली राइट लेफ्ट साइड में थर्ड बटन रजिस्ट्रेशन का एक बटन मिलता है, उस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ लिखा है प्लीज एंटर योर पिन, आपके जो पिन है 4 डिजिट के वो डालने है, और कन्फर्म का एक ऑप्शन मिलता है, उस कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। कन्फर्म बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन, LPG रजिस्ट्रेशन, मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन, फ़ोन बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। तो आपको सिंपली थर्ड बटन मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है और चेंज का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले हमें बता देते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ आपके जो न्यू नंबर है वो टाइप कर देना है, और टाइप करने के बाद आपको एक करेक्ट का एक ऑप्शन मिलता है, उस करेक्ट बटन पर क्लिक कर देना है। करेक्ट बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ लिखा है प्लीज़ एंटर योर OTP, आपके जो मोबाइल नंबर नए मोबाइल नंबर पर एक OTP आया है, वो इसके अंदर पुराने नंबर पर एक OTP आया है, वो इसके अंदर टाइप करके करेक्ट का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने नया इंटरफेस कुछ, यहाँ आपका चेंज रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। अब चेंज कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको सेकंड बटन चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। आपके रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, अब मैं आपको चेंज का प्रोसेसिंग बता रहा हूँ। तो आपको सिंपली चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने फिर से ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, आपके जो नए नंबर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है करेक्ट, उस करेक्ट पर क्लिक करना है। करेक्ट पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ लिखा है प्लीज एंटर योर OTP, आपके पुराने नंबर पे एक OTP आया है, वो इसके अंदर टाइप करना है और करेक्ट बटन पे क्लिक कर देना है। करेक्ट बटन पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन ओपन होगी। आपको सिंपली अपने जो पुराना मोबाइल नंबर है उससे एक आपको मैसेज करना पड़ेगा। वो मैसेज किस प्रकार करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको स्क्रीन पर मैसेज दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको यहाँ OTP वैलिड कीजिए, आपने जो OTP नंबर है वो टाइप कर देने, रेफरेंस नंबर की जगह आपके जो रेफरेंस नंबर है वो टाइप कर देना है। यह आपको 567676 पर मैसेज कर देना है। आपके 24 या 48 घंटों में जो मोबाइल नंबर है वो चेंज हो जाएगी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको इसी तरह बैंकिंग रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और पास वाले घंटे को इनेबल करना ना भूले। धन्यवाद।